नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग की शानदार जीत के बाद बदल गए आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट टेबल। सीएसके को पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा फायदा, क्या है पूरा पॉइंट टेबल ये जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों आईपीएल का छवां मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था, जिसमें सीएसके की तरफ से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कप्तान केएल राहुल थे। अब सिक्का उछाला जाता है, सिक्का गिरा लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब सीएसके की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में आती है। सीएसके की शुरुआत बड़ा ही ताबड़तोड़ रहा। सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया, जिसने 31 बॉल पे 57 रन बनाए। उसके बाद सीएसके की पूरी टीम ने 217 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे और लखनऊ सुपर जायंट्स को 218 रन का लक्ष्य दिया। अब लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उतरी। शुरुआती तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 78 रन बनाने के बाद एक विकेट गिरता गया। इसी के साथ सीएसके की टीम 12 रन से जीत जाती है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ सबसे अच्छी बल्लेबाजी काइल मेयर्स ने किया, जिसने मात्र 22 बॉल में 53 रन बनाए। तो चलिए अब जानते हैं आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट टेबल के बारे में। नंबर वन की बात करें तो वह राजस्थान रॉयल्स, जिसने एक मुकाबले खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है और उसका पॉइंट 2 है। लखनऊ सुपर जायंट्स का हार के बाद आरसीबी की टीम अब आ चुकी है नंबर 2 पे, जिसने एक मुकाबले खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है और पॉइंट उसका 2 है। उसके बाद सीएसके के खिलाफ हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब नंबर 3 पे पहुंच चुकी है, जिसने 2 मुकाबले खेले हैं और उसमें एक में जीत हासिल की है और दूसरी में हार, उसका पॉइंट 2 है। उसके बाद नंबर 4 पे गुजरात टाइटंस की टीम है, जिसने एक मैच खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है और उसका पॉइंट 2 है। नंबर 5 पे पंजाब किंग्स की टीम है, जिसने एक मुकाबले खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है और उसका पॉइंट 2 है। उसके बाद लखनऊ के खिलाफ सीएसके की जीत के बाद अब सीएसके की टीम नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जिसने 2 मुकाबले खेले हैं, एक में हार गई है तथा दूसरे में जीत हासिल की है, जिसका पॉइंट 2 है। नंबर 7 पे केकेआर की टीम आ चुकी है, जिसने एक मैच खेले हैं और उस मुकाबले में हार चुकी है, जिसके साथ उसका पॉइंट 0 है। उसके बाद नंबर 8 पे मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसने एक मुकाबले खेले हैं और उसमें हार चुकी है, जिसके साथ उसका पॉइंट 0 है। वहीं नंबर 9 पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसने पहला मुकाबला खेला है और उसमें हार चुकी है और उसका पॉइंट 0 है। और नंबर 10 पे सनराइज हैदराबाद है, जिसने एक मैच खेली है और उसमें हार चुकी है, जिसके साथ उसका पॉइंट 0 है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।